असला नाइन्थ क्लास दिस इज योर बायोलॉजी लेक्चर नंबर ट्वेंटी थ्री टूडे वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस जैसे कि आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने माइटोसिस के प्रोसेस को डिस्कस किया है उसमें आने वाली स्टेजेस को डिस्कस किया है उसमें कौन कौन सी फेजेज होती हैं आज हम देखेंगे कि इसका जो है वो क्या एडवांटेज है क्या सिग्निफिकेंस है तो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस के की पॉइंट्स हैं जिनमें माइटोसिस जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स टू द पेरेंटल सेल्स यानी कि पेरेंट जैसे ही डॉटर सेल्स का बनना डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ डिवेलपमेंट और ग्रोथ होना ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल का रिप्लेसमेंट में चले जाना सेल का रिप्लेस हो जाना रीजेनरेशन uh, होना दोबारा से जेनरेट होना एंड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें हम देखते हैं कि माइटोसिस कैसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल्स टू द पेरेंट सेल्स इसमें ये होता है कि जैसे कि आपको पता है माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड करके फर्दर टू डॉटर सेल्स बनाते हैं एंड द डॉटर सेल्स हैव द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने उनके पेरेंट में होंगे क्रोमोसोम उतने ही डॉटर सेल्स पे होंगे ठीक है तो uh, यहाँ पर हम देखते हैं के फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोटेंस जो है वो माइटोसिस की ये है इन द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट फॉर एग्जांपल ईच डॉटर सेल रिसीव द क्रोमोसोम्स के मतलब कि इसमें हम बात करते हैं कि क्रोमोसोमल सेट मेंटेन रहता है जितना पेरेंट में होगा उतना ही फर्दर डॉटर सेल में जाएगा और डॉटर सेल जो है वो उन क्रोमोसोम्स को रिसीव करते हैं एंड दीज क्रोमोसोम्स आर अ लाइक इन कम्पोजिशन उनकी कम्पोजिशन जो है वो सेम होती है और वो नंबर में भी इक्वल होते हैं तो पहला रोल जो है वो सिग्निफिकेंस का ये है कि पेरेंट सेल बिल्कुल अपने जैसे ही डॉटर सेल्स बनाते हैं क्रोमोसोमल जो सेट है वो कंप्लीट पेरेंट से डॉटर सेल्स में जाता है डॉटर सेल्स उसको रिसीव करते हैं और वो क्रोमोसोम्स कंपोजिशन में भी सेम होते हैं और नंबर में भी इक्वल होते हैं सेकेंड वन इज द डिवेलपमेंट एंड ग्रोथ अब हम देखते हैं कि माइटोसिस जो है उसका आ, हमारी बॉडी की डिवेलपमेंट में और ग्रोथ में क्या रोल है अब यहां पे आपको बताया गया है कि नंबर ऑफ सेल्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म Uh, जो सेल्स होते हैं uh, आपको पता है कि हमारी बॉडी सेल्स से मिल बनी हुई है तो हमारी बॉडी में जो सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज होता, होता रहता है रिपीटेडली वो इंक्रीज होता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस आपको पता है कि हमारी बॉडी में माइटोसिस का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के सेल्स यानी कि सोमेटिक सेल्स में ये होता है और उसकी वजह से नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं रिपीटेडली बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस नेक्स्ट दिस इज द बेसिस ऑफ डिवेलपमेंट ऑफ अ मल्टी सेलुलर बॉडी फ्रॉम अ सिंगल सेल इस वजह से हम कह सकते हैं कि माइटोसिस की वजह से एक बॉडी में एक ऐसा सिंगल सेल है जिसमें डेवलपमेंट होती है और वो फर्दर एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना देती है ऐसी बॉडी जो कि एक से ज्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करती है ठीक है और वो मल्टी सेलुलर बॉडी बने किससे है फ्रॉम द सिंगल सेल जिसको हम जायोट भी कहते हैं अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जाइगोट कैसे बनता है जैसे कि आपको पता होगा कि मेल और फीमेल गमीट्स की फ्यूजन से जयगोड बनता है मेल गमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गमीट एग जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक जो स्ट्रक्चर आता है उन दोनों का कॉम्बिनेशन उसको जयगोड कहते हैं जयगोड इज एक्चुअली अ सिंगल सेल जिसमें फर्दर डिवेलपमेंट होती है और वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बना देता है तो इसको हम डिवेलपमेंट का प्रोसेस कहते हैं और इसी तरह ग्रोथ भी जो है वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होती है ठीक है ऑल्सो द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वो भी इसी तरह से होगी अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है uh, कि किस तरह से एक और सिंगल uh, सेल से uh, जो है लाइफ ओरिज़िनेट होती है इसमें फर्दर जो है वो चेंजेस आती हैं डेवलपमेंट होती है और एट द लास्ट हमारे पास जो है वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी बन जाती है यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये जाइगोट है जाइगोट सिंगल सेल है जो कि मेल और फीमेल गेमेट्स uh, की फ्यूजन से बना था ठीक है इसमें फर्दर जब आप नेक्स्ट क्लासेज में जाओगे तो आप इन सब स्टेजेस को एक्सप्लेन करके पढ़ोगे इनके नाम पढ़ोगे ठीक है इसमें हम जायकोड में कहते हैं फर्दर क्लीवेज होती है क्लीवेज में ये सेल डिवाइड करता जाता करता जाता ठीक है इसमें डिवीजन होती है क्लीवेज की बहुत सी स्टेजेस होती हैं ये फर्दर डिवाइड करता है और स्मॉलर सेल्स बनाता है जायकोड के अंदर फर्दर uh, हम कहते हैं ब्लास्टूला बनता है मोरूला बनता है डिफरेंट चेंजेज़ आती हैं डिवेलपमेंट के बहुत से प्रोसेस हैं ठीक है जो आप फर्दर क्लासेस में जाके पढ़ोगे तो ये जयग्रोड से डिवेल्पमेंट स्टार्ट हुई थी फ्रॉम अ सिंगल सेल और इसमें फर्दर चेंजेस आती गई और एट द एंड हमारे पास एक मल्टी सेलुलर बॉडी आ गई जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सेल्स बहुत ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से हमने देखा कि माइटोसिस का डिवेलपमेंट और ग्रोथ में क्या रोल है नेक्स्ट वन इज द सेल रिप्लेसमेंट के सेल रिप्लेसमेंट में माइटोसिस का क्या रोल है इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी uh, सेल्स जो हैं वो कॉन्सटेंटली स्लप्ट ऑफ वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं हमारी बॉडी आपको पता है कि सेल्स से मिलके बनी हुई है और सेल्स कॉन्सटेंटली आपको पता भी नहीं चल रहा होता और हमारी बॉडी से सेल्स जो हैं वो स्लफ्ट ऑफ हो रहे होते हैं रिमूव हो रहे होते हैं उतर रहे होते हैं ठीक है एंड आई आर रिप्लेस्ड बाई द न्यू वंस और उसकी जगह नए बनते जाते हैं सेल्स इस तरह से हमें आइडिया भी नहीं होता कि हमारी बॉडी में से कितने सेल्स ऑफ हो रहे हैं और उसकी जगह नए आते जाते हैं तो इस प्रोसेस को सेल रिप्लेसमेंट कहते हैं और ये भी माइटोसिस की ही सिग्निफिकेंस है और ये प्रोसेस किसके थ्रू हो रहा है माइटोसिस के थ्रू और है और इस तरह से सेल्स uh, जो हैं वो कॉन्स्टेंटली स्लफ्ट ऑफ होते रहते हैं उनको न्यू वन सेल रिप्लेस करते रहते हैं एंड न्यू सेल्स जो हैं वो माइट्रोसिस के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं और अपनी एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं ठीक है ऐसे एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाएंगे जो कि स्लफ्ट ऑफ सेल्स को रिप्लेस कर देगी उसकी जगह पे आ जाएगी जो सेल्स उतर गए थे अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं जिनमें सेल रिप्लेसमेंट हो रही है हमारी स्किन के सेल्स ठीक है इनमें कॉन्स्टेंटली सेल रिप्लेसमेंट हो रही है माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा है सेकेंड वन इज़ द सेल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जहाँ जहाँ से फूड पास करती है उसके सेल्स भी कॉन्स्टेंटली स्टाफ ऑफ हो रहे हैं और माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू नए बनते जा रहे हैं इसी तरह हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं ठीक है उनका लाइफ स्पैन जो उनका हम कह सकते हैं कि वो बहुत शॉर्ट होता है बहुत थोड़ी देर के लिए जो है वो जो है पुराने सेल्स आपकी बॉडी में रहते हैं फिर वो क्या होते हैं जी उसकी जगह न्यू वन आ जाते हैं ओके तो उसका जो लाइफ स्पैन है टोटल वो फोर मंथ्स होता है अबाउट फोर मंथ्स रेड ब्लड सेल्स जो है वो सर्वाइव करते हैं नेक्स्ट सेकेंड लास्ट प्रोसेस इज द री ये भी माइटोसिस का एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है री uh, का मतलब होता है अगेन मतलब जनरेशन मतलब प्रोडक्शन री मतलब दोबारा से किसी चीज़ का बन जाना अब हम देखते हैं री कौन सा प्रोसेस है और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स में होता है सम uh, ऑर्गेनिजम्स Uh, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो रीजनरेट कर सकते हैं सम पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी कि अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो रिमूव हो गया है या कोई इंजरी हो गई है या उनके साथ कोई ऐसा मिसहैब हुआ है तो उसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू रीजनरेशन हो जाती है वो जो लास्ट पार्ट होता है जो उतर जाता है उनकी बॉडी से वो दोबारा बन जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें रीजनरेशन का प्रोसेस हो रहा है ई सी स्टार सी स्टार जो है ये आपको उसकी नज़र आ रही है पिक्चर सी स्टार क्या करती हैं जी ये डीजनरेट कर लेती हैं इट्स लास्ट आर्म ये सी स्टार है ये इसकी आर्म्स हैं अगर हम लेट्स सपोज ये वाली आर्म इसकी रिमूव हो गई है या लॉस्ट हो गई या कट हो गई है ठीक है तो इसकी प्रोसे इसकी बॉडी में एक प्रोसेस है माइटोसिस माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ये जो अपनी लास्ट आर्म होती है जो इसकी उतर चुकी है उसको ये दोबारा से रीजनरेट कर लेती है ये डॉटेड पोर्शन आपको शो कर रहा है कि ये वाली जो आर्म है वो लॉस्ट हुई थी और इसके इसकी बॉडी में माइटोसिस के process के प्रोसेस थ्रू वो दोबारा से जो है वो इसकी बॉडी में आ जाएगी लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस इज द ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है uh, यहाँ पे जो है हम बेसिकली uh, ये टू टाइप्स होती हैं सेक्सुअल एंड ए सेक्शुअल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है और उनकी फ्यूजन से जो है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म उनके गेमीर्स की फ्यूजन से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनता है लेकिन वो एक्जैक्टली exactly अपने पेरेंट जैसे नहीं होते उनमें थोड़े बहुत जेनेटिक वेरिएशन होते हैं लेकिन ए सेक्शुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसका जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म होता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होता है ठीक है Uh, यहां पे है कि माइटोसिस इज मीन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस भी जो है वो इसी का एक टाइप है इसी का जो है ना एक वे है कि माइटोसिस भी इसी तरह से होती है ये एक ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ही की टाइप है सम uh, ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर ऑफ स्प्रिंग थ्रू द ए सेक्शुअल कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेम अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिक मेकअप बिल्कुल सेम होता है जैसा उनके हो वैसा ही उनके ऑफ स्प्रिंग का होगा इस प्रोसेस को ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं अब हम देखते हैं कि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किन किन में हो रही है हाइड्रा यहाँ पे आपको हाइड्रा की पिक्चर नजर आ रही होगी बच्चे हाइड्रा जो होता है ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है इस, आ, इसका रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग बडिंग अब हम देखते हैं क्या प्रोसेस है सेल्स एट द सर्फेस ऑफ हाइड्रा अंडर गो माइटोसिस अब जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है इसकी बॉडी भी सेल्स से मिलके बनी हुई है तो इसकी बॉडी में जो सेल्स हैं वो भी माइटोसिस के प्रोसेस में से गुजरेंगे एंड फॉर्म अ मेस कार्ड द बड और वो एक आउट ग्रोथ बना देंगे जिसको बड कहते हैं ठीक है थीके? हाइड्रा की बॉडी के सेल्स में माइटोसिस होगी जब इसने रिप्रोड्यूस करना होगा और इसकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो एक आउट ग्रोथ बना लेते हैं अपनी बॉडी के बाहर जिसको बर्ड कहते हैं माइटोसिस कॉन्टिन्यूज इन द सेल्स ऑफ बर्ड इसमें माइटोसिस का प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा ये जो आउट ग्रोथ बनी है सेल्स इसमें फर्दर डिवाइड करते जाएंगे करते जाएंगे एंड इट ग्रोज इन टू अ न्यू इंडिविजुअल और फिर क्या होगा ये यहां से अपनी पेरेंट बॉडी से बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और इसी तरह का अपने पेरेंट जैसा ही न्यू इंडिविजुअल बना लेगा तो इस तरह से हाइड्रा जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाई द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग और ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है नेक्स्ट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स तो ये भी ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की ही एक टाइप है प्लांट्स भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं और वो ए सेक्शुअल रिप्रोड्यूस करते हैं इनमें भी टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसमें जैसे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, के बहुत से डिफरेंट वेज हैं हमने अभी बात की सक्कर्स जो हैं वो tubers, है वो ट्यूबर्ड्स इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं ये भी आप नेक्स्ट क्लास में जाके इसको डिस्कस करोगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप्स हैं और प्लांट्स कैसे जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस हमने देखा कि कौन कौन से प्रोसेसिस में माइटोसिस जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं uh, कैसे पेरेंटल सेल्स uh, से मिलते जुलते हैं उसके डॉटर सेल्स हमारी बॉडी में डेवलपमेंट और ग्रोथ में माइटोसिस का क्या रोल है आपकी बॉडी से उतरने वाले सेल कैसे न्यू बन जाते हैं रीजनरेशन कैसे होती है कुछ ऑर्गेनिजम्स में उनके बॉडी के जो पार्ट्स रिमूव हो चुके होते हैं वो दोबारा से कैसे बनते हैं और ये रिप्रोडक्शन क्या होता है नेक्स्ट नोट योर डायरी